हाय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका मैथ्स क्लास में फिर से स्वागत है। क्लास 8 का एक्सरसाइज के 1.5 का सॉल्यूशन आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस का, फिर उसके आधार पर आपको पूरे एक्सरसाइज को करना है। तो आइए, एक्सरसाइज 1.5 का सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है, 2/3 (+-5/9) और (+7/6), इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फ्रैक्शन का ऐड आप लोगों को बताया ही गया है, जस्ट एट ए ग्लांस फिर से आप एक बार देखेंगे इसको। आइए ध्यान देंगे, 2/3 (+-5/9) (+7/6). अब आप देख पा रहे हैं, मैंने साइन स्कीम आप सबको बताया है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, -5/9 (+7/6). अब जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होता है वो सबका एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम आप जब बगल में यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे 3 1 3 3 9 3 3 2 6, अब और नहीं हो सकता, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 3 9 2 18, यानी कि हम लोग एलसीएम कितना पा रहे हैं, 18 पा रहे हैं। तो आइए, इसका एलसीएम 18 हो गया। फिर सेम प्रोसेस जैसे हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शन का, उसी तरह से करना है यहाँ पे। 3 6 = 18 6 2 = 12, फिर आप साइन माइनस है तो माइनस, 9 2 = 18 5 2 = 10, फिर आप करेंगे क्या, 6 से 18 को डिवाइड करेंगे, 6 3 = 18 7 3 = 21। एक बात जो यहाँ पे ध्यान आपको रखना है साइन स्कीम का, इसके पहले प्लस है और इसके पहले भी जो कोई साइन नहीं होता है तो प्लस अंडरस्टूड होता है। तो आप क्या करें, इसको दोनों को पहले एक साथ कर लें, आप दोनों को पहले क्या करें, एक साथ कर लें, और जब इसको ऐड करेंगे आप तो क्या आ रहा है, 33 आ रहा है, -10 आ रहा है, फिर आपको क्या हो गया, 18 हो गया। क्या हो गया, 18। जब इसको आप माइनस करेंगे तो 23/18 आ गया। ये तो ऐसे सही है, लेकिन इसको आप क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम करते क्या है, आपको मैंने बताया भी था पहली बार भी कि इससे इसको डिवाइड करते हैं। जब 18 से आप इसको डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर आ गया है हमारा यहाँ से, तो जो हमारा कोसेंट होता है उसको हम बेस में यहाँ पे क्या कहते हैं, मेन में रखते हैं, और जो डिनोमिनेट क्या कहते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर ले जाते हैं, और जो डिनोमिनेटर यहाँ पे है उसको वहां रिमेन सेव कर देते हैं। तो दैट इट कैन बी रिटन एज 1/5/18, तो दैट इज आवर आंसर। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का ए था, तो इस तरह से आपको करना है। फिर एक क्वेश्चन हम 2 का बताते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपको 3 का बताएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, ध्यान देंगे, आइए ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन सामने है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको p/q के फॉर्म में दिखाना है, p/q के फॉर्म में इसको आपको दिखाना है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, 4 + 3 + 3/5। यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने साइन स्कीम पहले बताया था आप लोगों को, यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा, फिर आप 2/3 ले लेंगे, फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, 11/5 आ गया। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हम फ्रैक्शन का एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे जो है वो सबका क्या करते हैं, लोग एलसीएम कर लेते हैं। जब इसका एलसीएम आप करेंगे तो आप पाएंगे 3 5 है 3 5 है, यानी कि 15 हो जाएगा। आप करेंगे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर इससे आपको इसको डिवाइड करना है, 3 से 15 को डिवाइड करिएगा तो 5 5 4 20, फिर यहां से 5 से इसको डिवाइड करिएगा क्या आएगा, 3 आएगा, 5 3 15 3 3 9, फिर 3 से आप 15 को डिवाइड करिएगा, 3 5 15 5 2 10, 5 से 5 3 15, फिर 11 3 33। फिर यहाँ पे साइन स्कीम को थोड़ा सा देखना है, इसके पहले प्लस और इसके पहले प्लस, सेम साइन है तो आपको ऐड कर लेना है, 39 हो गया, फिर यहाँ पे -43 हो गया, -15 हो गया, इट्स ओके। अब यहाँ देख रहे हैं कि बड़े वाले का साइन निगेटिव है, छोटे का साइन क्या है, प्लस है, और जब डिफरेंट साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 से 9 गया 4, 3 से 2 गया 1, और व्हाट इज द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो दैट इज माइनस, वी पुट माइनस हियर और यहां हमने माइनस लगाया और -15 हो गया। तो ये आपकी p/q के फॉर्म में आ गया, तो यह आंसर हो गया हम लोगों का। तो ऐसे सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन बनाते हैं, फिर बाकी आप सबों को बनाना है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में मैंने बताया था, एक क्वेश्चन नंबर 3 1 और 2 जैसा ही है, आप उसको सॉल्व करेंगे आसानी से कर पाएंगे। तो इसको देखते हुए हमने चाहा कि क्वेश्चन 4 आप सबों को बता दें, क्वेश्चन 4 आप सबों को बता दे। तो आइए ध्यान देंगे, क्वेश्चन 4 को थोड़ा पढ़ना है। कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 13/15 एंड 27/20 टू गेट 91/60। इसको बहुत आसान से बातों में समझने का प्रयास करना है आपसे, थोड़ा सा एज एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। कह रहा है कि 2 + 3
टू और थ्री को जब ऐड करेंगे और जो ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें कितना ऐड करेंगे कि नाइन हो जाएगा। कैसे समझिए कि दो अलग अलग नंबर दिया हुआ है, उसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आपका आता है उस रिजल्ट को में कितना ऐड करेंगे कि क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, टू थ्री क्या कर लिया फाइव, और फाइव के बाद नाइन लाना है तो फाइव के बाद सिक्स सेवन एट नाइन, यानी कि चार बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, चार बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको नाइन लाना है तो फाइव का आपके पास ऑलरेडी है, तो कितना और लाना है, तो कितना और लाने के लिए आपको क्या करिएगा, जहां आपको जाना है उससे पीछे वाले को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस तरह से हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो देखना है क्या है, हमारा जो है दो जो है दो सम निकालना है, तो द सम पहले करना है, तो क्या हो जाएगा 13 बाई 50 प्लस 27 बाई 20। इस दोनों का एलसीएम आप करेंगे, 15 और 20 का एलसीएम यहां पे करें आप, एलसीएम निकालना भी सीख लें आप। 5 से 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, तो आप और नहीं हो सकता था, 5 थ्री जा 15, 15 फोर जा 60, तो यहां पे आप 60 पुट कर सकते हैं। 60 क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, 15 फोर जा 60, 13 फोर जा 52, फिर यहां पे 23 जा 60, 27 थ्री जा 81 हो गया। तो आप क्या कर पा रहे हैं, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 5 क्या हो गया 13 हो गया, नीचे फिर क्या आ गया 60 आ गया। आप इसमें देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं कर सकते, 33 617 6 और 0 हो गया, ना तो 2 से कट पा रहा है, ना 5 से कट पा रहा है, ना 3 से कट पा रहा है, तो यही हो जाएगा। लेकिन आपको लाना कितना है, यहां पे इतना लाना है। तो द रिक्वायर्ड आंसर रिक्वायर्ड आंसर में क्या करना है आपको, इससे इसको माइनस कर देना है, 91 बाई 60 माइनस 133 बाई 60 करना है। बाई चांस देख लिया आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपको एलसीएम भी नहीं करना पड़ेगा, जो होता है वही लिख देते हैं। फिर 91 माइनस 133, फिर यहां पे देख लिया बड़ा का साइन माइनस छोटे वाला का प्लस, तो बड़ा में से छोटा को माइनस करें आप, 13 से बन गया 2 और यह हो गया 4, बड़ा का साइन माइनस है तो आप माइनस यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे 60 आ गया। जब कभी आप कुछ कटने वाला होता है तो उसको ऐसे आप नहीं छोड़ सकते, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ले जाना होता है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ले जाना होता है। आप कर लीजिए, क्या कर सकते हैं इसमें, 2 से आप करिए इसको, 2 से क्या हो जाएगा 21 और क्या हो जाएगा 30, फिर आप 3 से भी कर सकते हैं इसमें, तो 3 से 3 से 7 और 3 से 10, तो यहाँ फाइनली वी गेट माइनस 7 बाई 10 आंसर, तो हम लोग का माइनस 7 बाई 10 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का है, तो आपको एक्सरसाइज 1.5 करना है, डू एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से इसको बनाना है और अच्छे से करके आना है। बाय एंड टेक केयर।